केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 कॉर्पोरेट कंपनी में तब्दील करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में कार्यरत करीब 70,000 कर्मचारियों को 7 नई कॉर्पोरेट कंपनियों में समायोजित किया जाएगा। शुरुआत में उन्हें 2 साल की प्रतिनियुक्ति पर नई कंपनियों में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस मुद्दे पर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बने एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा गरीबी भारत में बढ़ने संबंधी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश के पुनर्निर्माण की शुरुआत तब होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे और विशेषज्ञों की मदद लेंगे। उन्होंने एक रिपोर्ट साझा करते हुए ट्वीट किया, ये भारत सरकार की महामारी कुप्रबंधन का परिणाम है, परंतु अब हमें भविष्य की ओर देखना है। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारे देश के पुनर्निर्माण की शुरुआत तब होगी जब प्रधानमंत्री अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे और विशेषज्ञों की मदद लेंगे। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिले संदिग्ध कार के मामले में एनआईए ने अब शिवसेना के नेता प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वो मुंबई पुलिस के अफसर भी रह चुके हैं, जिनकी ख्याति एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर थी। गुरुवार सुबह ही एनआईए की टीम ने इस केस के सिलसिले में शर्मा के घर पर छापेमारी की थी और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शर्मा को अरेस्ट किए जाने से प्रदेश की राजनीति भी गर्मा सकती है। हालांकि अब तक इस मसले पर शिवसेना का कोई रिएक्शन नहीं आया है। प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार करने से पहले एजेंसी ने उनसे पूछताछ भी की थी। यही नहीं, एजेंसी के अधिकारियों का कहना था कि कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार की पूरी साजिश में उनका भी रोल था। महाराष्ट्र के डहाणू में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया। खबर है कि धमाका इतना तेज था कि घटनास्थल के 5 किलोमीटर दूर तक भारी आवाज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि धमाका सुबह के समय हुआ। इस मामले में पालघर जिला कलेक्टर ऑफिस की ओर से कहा गया है कि हादसे में अब तक 5 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिली है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। महामहिम के जन्मदिन के मौके पर सारी कड़वाहट भूलकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुरुवार को राजभवन राज्यपाल को बधाई देने पहुंचे। राज्य में चल रहे मौजूदा गतिरोध को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। हाल ही के उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली जाकर मुलाकात की थी। भले ही ये मुलाकात मराठा आरक्षण, बकाया जीएसटी और कोरोना समेत अन्य अहम मुद्दों पर हुई थी, लेकिन राजनीतिक पंडित इस मुलाकात की अलग ही मायने निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाजन ने राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वे रस्सी दिखाकर अपना चंदा वापस ले लें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नेता अब ये आरोप लगा रहे हैं, वे वही नेता हैं जिन्होंने पूर्व में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का दावा करने वालों और निर्माण पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधते हुए साक्षी महाजन ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। संजय सिंह और अखिलेश यादव ने अगर राम मंदिर में चंदा दिया है तो वे पर्ची दिखाकर अपने चंदे का पैसा वापस ले जा सकते हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण तराई क्षेत्रों और बिहार में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। बिहार की नदी में जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और नेपाल में भारी बारिश के बाद यहां पहुंचने वाला पानी तबाही का रूप लेता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जून तक नेपाल और बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, साथ ही बिहार के 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने निर्माणाधीन बिल्डिंग के साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी निरीक्षण किया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले सीएम योगी ने बीआरडी कॉलेज में स्वास्थ्य तैयारियों का भी जायजा लिया। सीएम योगी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आज बच्चों के लिए बनाए जा रहे पीकू नीकू वार्ड समेत कोरोना, नॉन कोरोना और पोस्ट कोरोना वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई जरूरी आदेश भी दिए। मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने नगर निगम ऑफिस का भी निरीक्षण किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से 22 जून तक राज्य में 4 धाम यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हुए नए नियम
अदालत के समक्ष रखने को कहा है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने कहा कि तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण फिलहाल चार धाम यात्रा स्थानीय लोगों के लिए नहीं खोली जा रही है। मालूम हो कि सोमवार को स्थानीय लोगों के लिए चार धाम यात्रा खोलने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि चार धाम देवस्थानम बोर्ड ने बताया है कि अभी यात्रा शुरू करने के लिए तैयारियां पूरी नहीं है और इसके लिए बोर्ड ने 15 दिन का समय मांगा है। उनियाल ने कहा जैसे ही हमारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी हम चार धाम यात्रा आंशिक या पूरी तरह से खोलने का निर्णय ले सकते हैं। हालांकि ये उस समय की परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वैक्सीनेशन पर उठाए गए सवालों का कांग्रेस ने जवाब दिया। कांग्रेस ने बताया कि सोनिया गांधी ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दोनों डोज लगवाए हैं। वहीं राहुल गांधी का वैक्सीनेशन 16 मई को शेड्यूल था लेकिन उससे पहले ही वो कोरोना संक्रमित हो गए। अब वे गाइडलाइंस के मुताबिक तय समय के बाद ही वैक्सीन लगवाएंगे। कांग्रेस ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि वह बेकार के मुद्दों को बनाना बंद करे और देश की पूरी आबादी को वैक्सीन लगवाने के राजधर्म को पूरा करें।